एक समय सृष्टि से जल तत्व अदृश्य हो गया। सृष्टि में त्रहाई त्रहाई मच गई और जीवन का अंत होने लगा। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, ऋषिगण तथा देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और शिव जी से प्रार्थना की और बोले, हे नाथों के नाथ, आदिनाथ, अब समस्या से आप ही निपटें। सृष्टि में पुनः जल तत्व कैसे आएगा? देवों की विनती सुनकर भोलेनाथ 11 रुद्रों को बुलाकर पूछा, आप में से कोई ऐसा है जो सृष्टि को पुनः जल तत्व प्रदान कर सके? 10 रुद्रों ने इनकार कर दिया। 11वां रुद्र, जिसका नाम हर था, उसने कहा, मेरे करथल में जल तत्व का पूर्ण निवास है। मैं सृष्टि को पुनः जल तत्व प्रदान करूँगा, लेकिन इसके लिए मुझे अपना शरीर गलाना पड़ेगा। शरीर गलाने के बाद इस सृष्टि से मेरा नामो निशान मिट जाएगा। तब भगवान शिव ने हर रूपी रुद्र को वरदान दिया और कहा, इस रुद्र रूपी शरीर के गलने के बाद तुम्हें नया शरीर और नया नाम प्राप्त होगा और मैं संपूर्ण रूप से तुम्हारे उस नए तन में निवास करूँगा जो सृष्टि के कल्याण हेतु होगा। हर नामक रुद्र ने अपने शरीर को गलाकर सृष्टि को जल तत्व प्रदान किया और उसी जल से एक महाबली वानर की उत्पत्ति हुई, जिसे हम हनुमान जी के नाम से जानते हैं। यह घटना सतयुग के चौथे चरण में घटी। शिव जी ने हनुमान जी को राम नाम का रसायन प्रदान किया। हनुमान जी ने राम नाम जपना प्रारंभ किया तथा त्रेता युग में अंजना और केसरी के यहाँ पुत्र रूप में अवतरित हुए। दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।